सुन लो परमात्मा, एक मेरी प्रार्थना, आप जैसी ही हो मेरी आराधना, आप जैसा बनो। जग से संयम लिया, धन शासन किया, दूसरों के लिए अपना जीवन जिया, आप जैसा जियो, आप जैसा जियो, आप जैसा बनो, आप जैसा बनो। ना हो आशा ना तृष्णा ना माया कहीं, आप तक जो भी आए है पथ वो सही। ना हो आशा ना तृष्णा ना माया कहीं, आप तक जो भी आए है पथ वो सही। माया चल से भरा सारा संसार है, तरना हमको विभव सागर पार है, आप जैसा तरो। सुन लो परमात्मा, एक मेरी प्रार्थना, आप जैसे ही हो मेरी आराधना, आप जैसा बनो, आप जैसा। ये जो जीवन में है चंद घड़िया मेरी, इसकी हर श्वास हो आपके नाम ही। ये जो जीवन में है चंद घड़िया मेरी, इसकी हर श्वास हो आपके नाम ही। युग के आदर्श है आप ही तो सदा, आप जग में रहे जग से होके जुदा, आप जैसा रहो। सुन लो परमात्मा, एक मेरी प्रार्थना, आप जैसी ही हो मेरी आराधना, आप जैसा बनो, आप जैसा जियो, आप जैसा तरो, आप जैसा रहो। जगह के साथ बोली सी वासु पूज्य स्वामी भगवान की जय हो। सुंदर अवसर है, हिंदी गुजराती बने चाल से धीरे धीरे समझ में आवे, अंदर उतार दे। ओके, जिन गुरुदेव पर अनंत कृपा बरस रही है, ऐसे गुरुदेव वसुपूज्य महाराज Oh,
गुरु जी हमारो अंतर्यामी आपो आशीर्वाद।
आवाज नहीं आ रही हो सर, मुझे आवाज बुलंद चाहिए। बहनों यहाँ पर जिंदगी अभी बुलंद वाला ही क्यों यूं की कहा ले रहा है, और क्वान्टिटी नहीं चाहिए ज्यादा, क्वालिटी आगे तो भी हाल ही हुआ। तो पीछे इतना पीछे बैठे हैं हमारा वडिल दादू साहब, तेरा दोनों हाथ ऊपर करके नाबीरा नाचू बुले दवा चीजें बुले दवा बोलो श्री वासु पूज्य स्वामी भगवान की। हाँ ये मेरा बात है, मुझे पता है लाइट जाने से बहुत लोगों की नींद खराब हुई है, तो भी परमात्मा के कल्याण में सोचना मत कि फिल्म में सवारा पांच वगैरह की लाइट ज नोटी शू करू रविवार नो दिवस तो सवारा पांच वगैरह की लाइट वही हमारी रूम खराब देगी, पर आज ही आपने बताना परमात्मा ना कल्याण में आया छे प्रभु तारो कल्याण करावता करावता जरे तारो जन्म थाय जरे तारो चवण थाय जरे नरक मा पण अजवाडू थाय क्या कोई लाइट नथी प्रभु तारो आज साथ महोत्सव करता मारा जीवन मा पण अजवाडू थई जाय एवा भाव साथे आपने कल्याण मनावा। लाइट हती नोती कोई चिंता करवानी जरूरत नहीं, लाइट ठीक नहीं चिंता करना, प्रभु तेरे कल्याणक से जब जाति नरक में क्षण मात्र के लिए अजवाड़ा होता है, क्षण मात्र के लिए उजास होती है, प्रभु आज तेरा कल्याणक हम मनाने जा रहे हैं। ये भाई ये दुनिया में लाइट आए या ना आए मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे अंदर का प्रकाश, मेरे अंदर का उजास, मेरे अंदर का आनंद कहीं कम नहीं होना चाहिए। प्रभु स्नात्र महोत्सव पर्युषण एक हुए एक आएंगे, कर्तव्य भी लिखा गया है। शास्त्रकार भगवंतों ने क्या दीर्घ दृष्टि रखी है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो देवलोक के देवता करोड़ों असंख्य देवता प्रभु के मस्तक पर से एक कलश खोलने के लिए कल्प आकर होते, प्रभु नहीं आपका अभिषेक मुझे करना है, आपको मुझे नजर मिलाना है। अरे राष्ट्र में जो देवताओं को अभिषेक करने का सौभाग्य नहीं मिलता है ना, वो देवता नीचे जो जल होता है ना, जल नीचे से जल ढो रहा है ने, ये जल में आरोटी ने पण प्रभु ना कल्याणक नो आनंद मनावे। आज ये सात्र महोत्सव चंपापुरी नगरी, कौन सी नगरी भाई, आप सब कहां बैठे हो, मुझे ना थोड़ा कानपुर में हड़ताल है, कहां बैठे हो, चंपापुरी नगरी वसु पूज्य महाराजा जया महारानी राज दरबार में बैठे हैं, और राज दरबार में कौन किस तरह बैठा है इसकी जाहिरात यहाँ को यहाँ पर बताऊंगा कि कौन किस प्रकार यहाँ पर उपस्थित है। ऐसे भाव के साथ हम जुड़ेंगे और आज के इस राज दरबार का मंगल पांड रहे। छड़ीदार तो कॉर्डलेस माइक जल्दी से दे देना, छड़ीदार सावधान इधर आ गया, छड़ीदार सावधान, विश्राम सावधान, विश्राम विश्राम, छड़ीदार रेडी आओ, छड़ीदार से छड़ी पुकार के राजू भाई हमें बधु तैयार रखते हो, हमें मैंने को बोल हेट नहीं गया ऑलरेडी, रिक्वेस्ट से आपने बधु रेडी रख लो, सेल वेल ना के एकदम कंप्लीट। हेलो हेलो थ्री टू वन स्टार्ट। सोने की छड़ी रुपए की मशाल
थे ताली एक बार छेड़ा दी जोरदार। हाँ बात है यार। आओ तो राज दरबार में कौन किस तरह बैठा है हम सबका परिचय करें तो कहेंगे कि जो आवे नर नेना हे जो आवे नर नेना सुन लो आवे हमारा राजा नो दरबार लेकिन उनको रोज याद करना चाहिए कि आप वहां पे खड़े हो ना तब यहां पर हम सलामत बैठे।
मोटी मोटी हस्ती हमारा राजा यहाँ पर आया ना, मैंने उनको पूछा प्रियमदा से आपका पंखा कहाँ है। तीन दिनों में लाइट नहीं थी ना, घर पे पंखे के साथ ही थी, घर पे भूल गई। मैंने कहा प्रियमदा दासी कोई चिंता मत करना, आपकी रानी इतनी उदार है ना, आपको कुछ नहीं कहेगी, आपको कुछ डांटेगी नहीं। पर मैं जब फोन पे था तो मुझे प्रियमदा से मतलब प्रियमदा से मुझे मैंने क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मारे शू करवा लूँ। मैंने उसको कहा मेरा प्रियमदा दासी आपके हाथ में जो पंखा है ना, पंखे से रानी की ऐसी ऐसी भक्ति करते रहना, और जब कोई ही देखे तो ऐसे ऐसे कर लेना। भाव और प्रियमदा दासी का ऐसा जबरदस्त पुण्य है साहब, उधर कल्याण मा कहू कि प्रियमदा दासी ने एवं जबरदस्त पुण्य है कि परमात्मा नो जन्म थाय पछी सर्वप्रथम जुवानो सौभाग्य प्रियमदा दासी ने मळ्यो। हमारा प्रियमदा दासी वो कहती है रानी ना चरण मम थुलन काशी, रानी ना चरण मम थुलन काशी, हमारा राजानो दरबार, हमारा राजानो अरे हमारा राजानो दरबार, हमारा राजानो दरबार, अरे बड़े हाथ में गाड़ी में बैठा हमारा इंद्र इंद्राणी। आज हमारा इंद्र इंद्राणी ओ जे भक्ति प्रभु नी जानी, परमात्मा का सर्वप्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य ये पुण्यशाली हो। 32 लाख विमान की अधिमति अपना सब कुछ सुख समृद्धि छोड़कर परमात्मा की भक्ति में पागल हो जाते हैं। अरे एक बात कहनी था, 32 लाख विमान रो अधिपति है, कितना लाख विमान, एक भी है कि मुन्न वर्ण वाले एक है क्या, है क्या एक भी? थोड़ो माया आई, थोड़ो पियो आयो तो भगवान ने पछे जाओ था, पहले तो आप लोग कौन देखोगे। इंद्र महाराजा 32 लाख विमान के अधिपति होने के बावजूद सारी समृद्धि को एक साइड में रखकर प्रभु तेरी भक्ति में पागल बन जाओ, एक बालक बन के परमात्मा की भक्ति 5 रूप धारण करके प्रभु तेरा एक क्षण भी मुझे छोड़ना नहीं है। अरे लाज पे जब परमात्मा का अभिषेक करना नहीं आए तो स्वयं ऋषभ का रूप बनाकर परमात्मा का अभिषेक करते हैं, ये इंद्र की भक्ति है। तालियों में गड़गड़ाहट से बधाई इंद्र महाराजा को। आज हमारा इंद्र इंद्राणी वो जिन्हें भक्ति प्रभु नी जानी, वो जिन्हें भक्ति प्रभु नी मान, हमारा राजा नो दरबार, हमारा राजा नो दरबार, हमारा राजा नो दरबार, हमारा वसुपुंज महाराजा। ओए भाई वसुपुंज महाराजा, महाराजा विराज चंपापुरी नरेश, ये है हमारे वसुपुंज महाराजा। और पुंजी ना द्वारे वागे बाजा, पुंजी ना द्वारे वागे बाजा, अने प्रभु ना जन्म पछी सौ ने खवड़ा उसे पेंडा ने खा जा, हमारा राजा नौ दरबार, हमारा राजा नौ दरबार, हमारा राजा नौ दरबार, हमारा राजा नौ दरबार, हमारा राजा नौ दरबार। देखो भाई एक मिनट, महाराजा नाच रहा है और आप ताली भी नहीं बजाओ ना, आपको राज्य से बर्खास्त किया जाएगा। तालियां बजाओ जोरदार।
मैं हर बार कहता हूं दुनिया में करोड़ों स्त्री है जिसे माता बनने का सौभाग्य मिलता है, दुनिया में करोड़ों स्त्री है जिसे माता बनने का सौभाग्य मिलता है, लेकिन करोड़ों स्त्री में से एक स्त्री का पुण्य होता है जिसे तीर्थंकर की माता बनने का सौभाग्य मिलता है। तीर्थंकर की माता, प्रभु माता तू जगनी माता, हृदय से कहूंगा भाई आपका पुण्य बहुत अद्भुत है, ये कोई ड्रामा नहीं है, कोई नाटक नहीं है, प्रभु की माता बनने का सौभाग्य। तीन लोग के नाच आपकी पक्षियों बता रहे, इनकी फ्रेंड्स कितनी बैठी है, जल्दी जल्दी मुझे समय नहीं है मेरे पास। पहली बार आप चित्रा भी बैठ लो, जितना पर बैठा छो आ जाइए, मुद्रे लेके जाइए। हाय दीदी, दिस इज नॉट अ विधि, हाय दीदी नहीं, बन्ने हाथ जोड़ी मस्तक नमाकर कहना हे जया माता आपको प्रणाम, आपको एक साथ बोला जया माता को प्रणाम और एक जया माता में खुशी में रहे भगवान को भी प्रणाम, जया माता आपको प्रणाम, आपके खुशी में रहे बालों को भी प्रणाम। और ये है आज हमारा जया माता, सबने पूछे छे सुख साता, सबने पूछे छे सुख साता, सौना हैया मां समाता हमारा राजा लो शहनाई के सूर लहरा रहे हैं।
दूसरा सोना आ रहा है ऋषभ।
दौड़िए, मैं खुद दौड़ी दौड़ी आपके पीछे चल रहा हूं। तीनों
और राज की लक्ष्मी के लिए आप और मैं न जाने कितने पाप कर रहे हैं, आपको और मुझे पता है, आपको मुझे पता है। 1000 रुपए पेमेंट में कम मिल जाए ना, दिमाग खराब हो जाए। माँ लक्ष्मी कह रही है मैं प्रभु की सेवा में पागल हूँ, बस तू उसकी सेवा में लग जा, मैं तेरे पीछे दौड़ी दौड़ी आऊंगी। ऐसी लक्ष्मी को जोरदार हरिहर नाम से बुलाते और 5 बस समझा रही है फूलों की माला। सबसे पहले मेरे कंठ में मोक्ष की माला आरोपण करूंगी। उद्यान क्या है? उद्यान खबर से उद्यान नहीं खबर। हाँ, एक प्रार्थना करना है, मम्मी को पूछना कि ये फूल की माला मैं किसी के और के गले में से डालने से पहले मेरे गले में मोक्ष की माला आ जाए, यही प्रार्थना प्रभु से करना। जो ना तारीख बताइए। अब आ रही छठे सपने चंद्रमा। चंद्रमा हो चंद्रमा, चंद्रमा हो चंद्रमा, मैं सभी को दे सकूं। आपको ये इधर कहने की जरूरत नहीं है, आपको इधर कहने की जरूरत है कि चंद्र जैसी शीतलता हम सभी को मिले। ताली बजाओ एक बार जोरदार। साथ में सबके आगे उठे सूरज। हेलो
बेटा वाह क्या बात है, सुना बेटा विदिका आपने क्या लिख रहा है? कलश। अच्छा ये कलश कहाँ पर रखते हैं? कलश मंगल स्वरूप कभी घर में है, मंगल स्वरूप कोई भी कार्य होता है ना मंगल की प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे जीवन में सब मंगल हो। आइए दशमी स्वरूप में आ रहा है पद्म स्वरूप। चलो थोड़ी झड़प राजो भाई। पद्म स्वरूप देखियो
राशि अगर आपको रस्ते से जा रहे हो यहाँ से बाहर निकलो बाहर निकलते निकलते आपको रत्न का इतना बड़ा ढगला दिख जाए रत्न और ढगला तुमने मिल जाए रत्न की पोटली आपको मिल जाए तो फिर आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे नहीं या फिर अलग पेड़ अलग पेड़ में जमा अगर मंदिर में मिला तो पेड़ में जमा करवा आप बात है ताली जैन शासन की आ संस्कृति छे રત્નો પણ રસ્તામાં મળી જાય તો નાનકડી દીકરી 12 વર્ષની પણ કે મને મળી જાય તો હું એને ખીચામાં કે બટવામાં નહીં નાખીશ મને મળી જાય તો હું પ્રભુની પેઢીમાં અર્પણ કરી દઈશ ऐसे शुभ भाव के साथ जोरदार ताली से बताइए परिधि को अब अंतिम स्वप्न आ रहा है चौदवा अग्नि शिखा चलो
कभी खाना बनेंगे। माता ने शाम दी दिस माइक प्लेस। माता जी मध्य रात्रि के तीसरे प्रहर में 14-14 स्वप्नों का दिव्य दर्शन करती है और जब अंतिम प्रहर में जब अंतिम स्वप्न का दर्शन करती है माता जी अपनी निद्रा का त्याग करती है और किस प्रकार क्या वार्तालाप करती है माता क्या देखती है हम सभी सुनेंगे। बिल्कुल शांति मेरो बोलो वासु मुझे समय भगवान की यस। आज क्या करना है आज पर शो में कोई व्यवस्था नहीं मैं बिना किसी तुमने
ये जितने मेरी माताएं बैठी है ना और जितने भाई बैठे, आज रविवार का दिन है। आज आपको यहाँ से स्वामी वास्ते लिए बुरा होगा, शाम में ये चोबिहार के लिए जब घर आएंगे ना, आपको एक आज काम करना है, छात्र महोत्सव में एक संस्कृति लेके जाना है। जैसे ही घर में आए ना, कहना महाराज की जय हो, आओ महाराज पधारो, आओ जल ग्रहण करो महाराज। फिर महाराज कहेंगे हे देवानुप्रिय अभी आता हूं। मैं आपको गारंटी के साथ कहूं, अगर ऐसा वार्तालाप होगा ना, जिंदगी में कभी पति और पत्नी का झगड़ा नहीं होगा। ये मेरी संस्कृति है, विनय और विवेक 100% होना चाहिए। और महाराजा आगे क्या वार्तालाप करते हैं हम सुनते हैं। ओ मेरे स्वामीनाथ, आज जब मैं अल्प निद्रा अवस्था में थी, उस समय मैंने चौदह अति उत्तम और महामंगलकारी ऐसे स्वप्न देखे। वे स्वप्न इतने अलौकिक, इतने रोमांचकारी थे कि मेरा मन आनंद से झूम उठा है। आज मैंने जो स्वप्न देखे वे इतने स्पष्ट थे, इतने स्पष्ट कि मानो आकाश से उतरकर सीधे मेरे मुख में प्रवेश कर रहे हो। क्या अर्थ है इन स्वप्नों का महाराज, क्या अर्थ है मुझे बताइए। क्या बात कर रही हो महारानी, आपने चौदह स्वप्नों को देखा? क्या चौदह स्वप्न महारानी, क्या चौदह स्वप्न, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। वे स्वप्न मैं आपको कैसे बताऊं, क्या बताऊं मैं आपको, इतने अनोखे थे वे। मैंने पहले स्वप्ने मैंने एक अति विशाल गज देखा, पीछे स्वप्ने मैंने एक दैत्य महाराज पद्म सरोवर देखा। और क्या देखा महारानी आपने? मैंने फिर आगे मैंने गंभीर रत्नाकर देखा और देव विमान, बड़ा ही अति विशाल चमकता हुआ देव विमान देखा मैंने। धन्य धन्य अति धन्य प्रिय, एक साथ चौदह स्वप्नों को बता के आपने मुझे धन्य बना दिया। अरे ठहरो ठहरो, अभी तो हुए नहीं है, मैंने और भी जो स्वप्न देखे थे, इसके आगे चलते हुए मैंने रत्नों का ढगला, पंचवर्ण रत्नों का ढगला भी देखा महाराज। और अंतिम स्वप्ने मैंने धाकजमान अग्नि शिला देखी महाराज, अग्नि शिखा देखी। धन्य अति धन्य प्रिय, एक साथ चौदह स्वप्नों को बता के आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। अब आप मुझे ये बताइए इन स्वप्नों का क्या अर्थ है महाराज। मैं ये सोचती हूँ कि यह सपना बड़े ही मंगल है, मंगलकारी प्रतीक आते हैं मुझे नजर, क्या आप इन स्वप्नों का अर्थ मुझे बताएंगे। हे रत्नपुक्षी, ये शुभ स्वप्नों का फल खूब महान होगा, ये तो बहुत शुभ लक्षण की निशानी है। हे पटरानी, जल्द से जल्द स्वप्न पाठक को बुलाते हैं और उनको ये स्वप्नों का फल पूछते हैं। जी महाराज। राजा स्वयं ज्ञानी है, राजा को पता है स्वप्नों का फल है, हम सातों में रोज जाते हैं। राजा अर्थ, उन्होंने राजा अर्थ पुत्र तीर्थंकर त्रिभुवन से सकल मनोरथ, राजा को स्वयं को पता है। लेकिन रानी, आपकी मन की शंका का निवारण के लिए कल सुबह राज दरबार में हम राज ज्योतिष को बुलाकर, स्वप्न पाठक को बुलाकर इस स्वप्नों का वर्णन जानेंगे। आइए, हमारे बीच में राज ज्योतिष पधार रहे हैं। चलो आया रे ज्योतिषा, ये ज्योतिष रोज बाहर नहीं, आया रे आया ज्योतिषा, ये ज्योतिष रोज बाहर नहीं। चलो आउटपुट आउटपुट आउटपुट
करो, जवाब नहीं। ए निम्बू निम्बू महाराज की सेवा करो, महाराज के पैर दबाओ, हाँ सेवा करो महाराज की। हाँ क्या बात है, 108 साल की उम्र है राज ज्योतिष महाराज की। जय हो। आप इसकी बातों पर ध्यान न देना। हाँ नहीं नहीं पंडित जी,
आपका शिष्य तो बहुत ही होशियार है। जटाशंकर कहाँ रहते हो आप? मेरा नाम जटाशंकर, मेरे गुरु कृपा शंकर, मेरा भाई दया शंकर, मेरा नगर चोर नगर और मेरी गली चोर गली है। घर नंबर 24 और कुछ बताओ मेरे बारे में। छोटा है तुम्हारा? अरे ओ जटा, चुप हो जा और जल्दी से मेरा टिपना दे दे। अरे देखो ये इसमें तो कुछ नहीं, वो परदादा का टिपना दे दे जटा। अरे इसमें तो सिर्फ 7 स्वप्नों का ही फल दिया है। 7 स्वप्न देखनारी माता का पुत्र वासुदेव की प्रतिवासुदेव होता है, लेकिन ये 14 स्वप्न का अर्थ तो कहीं नहीं दिया। सत्य वचन सत्य वचन, मेरे गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते। सत्य वचन सत्य वचन, मेरे गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते। अरे मिल गया, लो सुनो सब सुनो। 14 स्वप्न देखनारी माता का पुत्र चक्रवर्ती होता है और आपका पुत्र तो इस पर कर होगा। 14 स्वप्न देखनारी आपका पुत्र 3 लोक में प्रकाशित इंद्र महाराज का पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान होगा। ऐसे उत्तम पुत्र को आप जन्म देंगी माता। हे भाग्य को जानने वाले ज्योतिष जी, आज आपने स्वप्न का फलादेश करके हमारा मन बहुत रोमांचित कर दिया है। हमारा हृदय भाव विभोर हो गया है। लो ये गुरु दक्षिणा। वाह, और महाराज ने कह दिया कि आपका पुत्र चक्रवर्ती होगा, भी राजा महाराजा श्री शंकर होगा और आनंद उल्लास के साथ जब समाचार दिए महाराज के पास गए, अपने स्थान से खड़े होकर महाराज को सुंदर भेंटना देते जोरदार ताली से बधाई। वाह क्या बात है ज्योतिषराज, हे घटा शंकर। गुरु जी आपको तो इतना सारा धन मिला, मुझे तो एक चॉकलेट भी नहीं मिली। अरे ओ नादान, चल बहुत वक्त हो गया है, अब घर जाकर ये जो मिला हुआ धन है इसे संभाल के रखते हैं। ठीक है गुरुजी। महाराज की जय हो। गुरुजी कहते हैं कि महाराज ने मुझे इतना दिया इतना दिया इतना दिया इतना दिया, मेरे सरकार ने बहुत कुछ दे दिया कि मेरी 7 पीढ़ी आराम से बैठ कर खाएगी। महाराज कहते इतना धन दे दिया। आखिर में ज्योतिष महाराज है वो धीरे से घटाशंकर के कान में कहते हैं, महाराज ने 7 पीढ़ी में तो दी दो पर 8वीं पीढ़ी रो कोई वही नहीं। महाराज ने इतनी चिंता है कि 7 पीढ़ी रो जाए तो 8वीं पीढ़ी रो कोई हुई। आओ महाराज जी ज्योतिष जी के लिए एक बार जोरदार ताली। महाराज जी ने ओरिजिनल मोती की माला दी है। हाँ बिल्कुल ओरिजिनल जोरदार ताली के साथ आया ज्योतिष माता, आपके जो ये स्वप्न है वह साकार बनेंगे। आप त्रण भुवन सिरताज ऐसे पुत्र रत्न को जन्म देंगे। महाराज आपके इन वचनों ने मेरे दिल को हर्ष और उल्लास से भर दिया है। मेरा यह जन्म सफल हो गया है। जय हो महाराज ने कहा कि आप एक महान पुत्र रत्न की माता बनोगी और माता के आनंद का कोई पार नहीं है। और यहाँ पर पर्दा गिरता है, महाराज अधिराज अपने शयन खंड में जाते हैं और महारानी अपने महल। और आनंद मंगल के साथ समय पसार होता है।
समय बीतता जाता है और माता के आनंदों की वृद्धि होती है, दिन पर दिन आनंद की वृद्धि होती है और इतने सुंदर धर्म आराधना में जया माता अपना संपूर्ण समय बिताती है। और सखी, ओ सखी, ओ मेरी प्यारी जया देवी, सखी कहाँ हो? सखी तुम? प्रणाम। प्रणाम माता, मैंने सुना है आपको 14-14 स्वप्न आए हैं। ओ हो, मुझे ऐसा लगता है ऐसे भव्य सपने आने से आपको पुत्र रत्न की जन्म होगा। आनंद हो। माता विराजमान होइए, मुझे आपको एक सच्ची सलाह देनी है। माता अब आप गर्भ में हैं, आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि आपको अभी से खट्टा, तीखा, मीठा भोजन जरा भी नहीं खाना है। मीठा भी नहीं? नहीं, मुझे पता है आपको खट्टा और मीठा बहुत पसंद है, मगर आपको अभी नहीं खाना है और आपको धीरे चलना है, धीरे बोलना है और वजन बिल्कुल नहीं उठाना है। आपको ध्यान में रहेगा ना? हाँ सखी जी। और आपको सादा भोजन खाना है, टेंशन नहीं लेना है और प्रसन्नता पूर्वक रहना है और अधो वस्त्र आपको ढीला बांधना होगा, इससे आपका गर्भ को पोषण मिलेगा। जी सखी, मैं इन सारी बातों का ध्यान रखूंगी। और आपको प्रसन्नता पूर्वक रहना है, गर्भ का पोषण होगा। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत। क्या बात है, बात सखी का आनंद कोई आनंद का कोई बात नहीं है। सखी आपको भी आज स्वामी वत्सल में मीठा नहीं खाना है, आइए सखी, आपको भी त्याग करना है। सखी का आनंद का कोई पार नहीं है। सखी ने बहुत सारी सूचनाएं दे दी क्योंकि सखी बड़ी थी, अनुभवी थी और आनंद का कोई पार नहीं। 9 महीने समय पूरा हो रहा है, आनंद का कोई पार नहीं है। माता और 9 महीने अभी दिन बीत चुके हैं, सुंदर वातावरण छा गया है, मीठे बासुरों के सुर लहरा रहे हैं, पंखी मीठा टमटमा कर रहे हैं, सारे नदी के जल बह रहे हैं, मानो बाघ और बकरी घाट पर पानी पी रहे हैं। चक्र छाया हुआ है, हर तरफ आनंद आनंद।
1, 2, 3, 4
सुगंधी द्रव्य लावे, ये दिन घुमाई आवे, सुगंधी द्रव्य लावे, सुगंधी द्रव्य लावे, सुगंधी चीत पावे, ये दिन घुमाई आवे, सुगंधी द्रव्य लावे, ये दिन घुमाई आवे, सुगंधी द्रव्य लावे। हे आवे कुमारिया काट दर्पण को ते पर से हाथ में
रही हैं आरती कुमारी का दीपक लेकर के दीपक पंखा छठा पंखा विशाल गुरु आइए पंखा लेकर पंखा ले ले ओ पंखा ले ले पंखा ले ले हो पंखा ले ले पंखा ले ले हो पंखा ले ले पंखा ले ले हो पंखा ले ले उड़ी आवी दिन कुमारी रे पंखा ले ले उड़ी आवी दिन कुमारी रे अरे झूमे नाचे गाए रे हो चल रहा है इंद्र महाराजा
हो जाइए। आपके मुख पर एक रोग की रेखाएं शोभा नहीं देती है। आप अपने अवधि ज्ञान का उपयोग करके तो देखिए किसने किया है, अभी पता चल जाएगा। अरे रे रे रे, ये मेरे भगवान के बारे में मैंने क्या गलत विचार किया, हे माता।
शामिल होते हैं और करोड़ों कनक कलशों द्वारा प्रभु का जन्म महोत्सव करते हैं और इतना सुंदर जन्म महोत्सव होने के बाद प्रभु बधाते हैं और प्रभु को फिर से माता के पास लाकर अपने पुत्र को सौंपते हैं। माता, मैं परमात्मा को मेरु पर्वत पर लेकर जाऊंगा, आप मुझसे डरो नहीं। मुझसे कुछ जिना क्यों हुई हो तो मन बचन का ऐसे जिना क्यों कुछ हो तो मन बचन का ऐसे मिच्छा में दुख रहूं और इंद्र महाराज स्वयं मानकर महाराजा धीराज यहाँ पर अपने राज दरबार में बैठे हैं और राज दरबार में महाराजा धीराज बैठे हैं और चिंता की मुद्रा में दिखते हैं तो मंत्रीश्वर महाराजा से क्या बात करते हैं। राजन राजन, आज आप बहुत उदास और चिंता में दिख रहे हो, क्या राज्य पर कोई मुसीबत है? यदि ऐसी कोई बात है तो आप हमें बताइए। आपके राज्य में बहादुर सेनापति, कुशल कोषाध्यक्ष, महारथी उद्धव, दानवीर नगर शेठ सब आपकी सेवा में प्रस्तुत है। यदि चिंता का कोई विषय हो तो आप हमें निसंकोच होकर बता सकते हो। अरे, जिस राज्य में ऐसे बुद्धिशाली मंत्री शूरवीर सेनापति हो उस राज्य पे संकट भला आ सकता है क्या? संकट का विषय तो कुछ और ही है। मंत्रीश्वर, अपने राज्य में कोई संकट आ ही नहीं सकता। जिस दिन से महारानी ने ऐसे महान स्वप्न देखे हैं, पूरे राज्य में सब लोग ही चर्चा हो रही है और अपने सारे पड़ोसी राज्य भी अपने मित्र बन गए हैं। अगर कोई अपने राज्य पर चढ़ाई करेगा तो मैं एक तलवार ही उसे मुंह तोड़ जवाब दे देगी। अब चिंतित मत हो महाराज, ऐसी क्या बात है जो आप हमें नहीं बता सकते? जिस बात की आप सब चिंता कर रहे हो वो बात ये है कि 9 महीने पूर्व महारानी ने 14 स्वप्न देखे थे और अब तो 9 महीने पूर्ण भी हो गए, परंतु कोई शुभ समाचार नहीं आया है, इसीलिए उनकी चिंता हो रही है। हे नरोत्तम राजा, आप निष्कारण चिंतित हो रहे हो। देव गुरु और धर्म पर श्रद्धा रखने की कृपा करो और ज्योतिषी पे भी भरोसा रखो। शुभ समाचार आते ही हो ऐसा मेरा मन कह रहा है। और लास्ट बैठे थे, 9 महीने अधिक बीत चुके हैं, अभी तक कोई समाचार नहीं आया। गुरु भाई फोन रख के, अभी कोई समाचार नहीं आया। और दूर दूर से आवाज आती है, छम 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 छम। देखो हंसी हंसी आई, प्रेमंदा बधाई आई, देखो दौड़ी दौड़ी आई, प्रेमंदा बधाई आई, देखो हंसी हंसी आई, प्रेमंदा बधाई आई, देखो दौड़ी दौड़ी आई, प्रेमंदा बधाई आई। नाचती कूदती दौड़ती प्रेमंदा है लाई, खुशी का समाचार लाई। देखो हंसी हंसी आई, प्रिय बंदा बधाई लाई, देखो दौड़ी दौड़ी आई, प्रिय बंदा बधाई लाई, हो देखो हंसी हंसी आई, प्रिय बंदा बधाई लाई, देखो दौड़ी दौड़ी आई, प्रिय बंदा बधाई लाई, देखो दौड़ी दौड़ी आई, प्रिय बंदा बधाई लाई, देखो दौड़ी दौड़ी आई, प्रिय बंदा बधाई। आज बगड़ा बगड़ा बोलूड़ा से मेरा ही।
समाचार सुनने के लिए तड़प रहे हैं। क्षत्रिय शिरोमणि, बताती हूँ पर मेरे मन में इतना आनंद है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। अब तेरा भाषण बंद कर, शुभ समाचार लाइए तो जल्दी बता, अब मेरे आतुरता का अंत कर। बता दू प्रजाजन, ये शुभ समाचार बता दू क्या करती है? अरे महाराज, धीरज रखिए, यही शुभ समाचार बताने के लिए तो मैं दौड़ी दौड़ी आई हूँ। मेरा ये मैं कितनी पुण्यशाली हूँ, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, ये शुभ समाचार सुनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। परंतु महाराज, ये शुभ समाचार देने के बदले आप मुझे बधाई में क्या दोगे? अरे प्रियंदा, वाह, तू भी क्या बात कर रही है, तू बहुत पक्की है यार। तेरी सात पीढ़ी तक कम न पड़े इतना दूंगा, बोल अब तो बताएगी ना? अरे हाँ महाराज, सुनाती हूँ महाराज, ये शुभ समाचार सुनने के बाद महाराज आप प्रजागण नगरवासियों सब आनंद से झूम उठेंगे। क्यों प्रजाजन, बता दू? बताओ प्रियंदा, बताओ। अरे रे रे रे, मैंने तो गुरु भगवान की आज्ञा ही नहीं ली। हे भाग्यो रे ढोल भाई, भाग्यो रे ढोल भाई, भाग्यो। गुरु भगवान, ये शुभ समाचार
सुगंध के समान उनके श्वास अष्टमी के चांद के जैसा उनका चमकता हार काली काली भमर अनियाली आंखें ये प्यारी प्यारी आंखों से जो वो देखता है तभी ऐसा लगता है कि मानो वो पूरी दुनिया देख रहा है। महाराज मैं राजकुमार का क्या ही वर्णन करूं, मेरी औकात ही नहीं है, मेरी औकात ही नहीं है। महाराज ये राजकुमार को जन्म से पूरी नगरी धन्य हो गई है। ये मुझे ऐसा सबको ऐसा लगता है कि ये राजकुमार के जन्म से आपका कुलदीपक रोशन हो जाएगा, आपका कुल दीपाएगा। महाराज की जय हो, विजय हो। छोटे महाराज की राजकुमार की जय हो, विजय हो। मेरे द्वारा पुत्र जन्म की बधाई को सुनकर मेरे रोम रोम में अमृत का संचार हो गया है और मेरे महल में आनंद का दीप प्रकट हुआ है। आज और मेरे द्वारा पुत्र जन्म की बधाई को सुनकर मेरा हृदय आज बहुत ही आनंद से झूम उठा है। आज तुमने ये शुभ समाचार देखे, आज अपना जन्म सफल कर लिया है, तुझे भी चिरकाल का आनंद मिले।
कब से आप ही का इंतजार कर रहे थे। अरे भैया, नामकरण करने में अब मैं विलंब नहीं कर सकती। हाँ, कह देती हूँ।
चंपा नगरी के भीषण महाराज को घनी खम्मा घनी खम्मा। पधारो राजपुत्र सिंह, आपका स्वागत है, कृपया करके आसन ग्रहण करिए। ज्योतिष जी ने तो बड़ी देर लगा दी आने में, हमारे सारे म्यूजिशियन सिंगर सब चले गए हैं यहाँ से। कहिए महाराज, इस सेवक को कैसे याद किया? ज्योतिष जी महाराज, आप तो जानते ही हैं, हमारे यहाँ दिव्य पुत्र रत्न का जन्म हुआ है, उसके नामकरण हेतु आपको यहाँ बुलाया गया है। अब ज्यादा आना बातचीत ना करो, जल्द से जल्द मेरे भतीजे की राशि निकाल कर दो। बेटी, पुत्र रत्न का जन्म कब हुआ? महाराज, फागुन वदी चतुर्दशी के दिन मध्य रात्रि में पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। वाह वाह, क्या बात है महाराज। आपको तो याद ही होगा, जब महारानी ने 14 महास्वप्न देखे थे तभी मैंने आपको कह दिया था कि महारानी एक तेजस्वी पुत्र का जन्म देंगी। अब मैं अपना टिपना देखकर आपको सारी बात विस्तार में बताता हूँ। ज्योतिष जी महाराज, जरा जल्दी कीजिए, वरना जितने लोग हैं ये भी मम्मम के लिए भाग जाएंगे। वाह उच्च ग्रह, वाह वाह, क्या कुंडली है महाराज, सर्व ग्रह उच्च स्थान में रहे हैं। ऐसी जन्म पत्रिका का वर्णन करना तो मेरे लिए शक्य ही नहीं महाराज। आपका पुत्र जगत में महान से भी महान होगा। ऐसा योग सारी अवस्पर्णी में सिर्फ 24 बार आता है। महाराज देखिए, महाराज इसके ललाट पे तेज का पूंज देखिए महाराज, ऐसा तेज किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं होता महाराज। सच कहूं तो आपका पुत्र इस जन्म में प्रकाश फैलाने के लिए आया है। आप इसे सिर्फ अपने पुत्र रत्न के रूप में नहीं, विश्व के उद्धारक के रूप में देखिए महाराज। अरे ज्योतिष जी महाराज, आप कितना बोलते हो, कितना बोलते हो, बड़ बड़ बड़। आप मेरी बात तो भूल ही गए हो, जरा यह भी तो बताइए ना कि मेरे भतीजे की, मेरे राज दुलारे की राशि क्या है, इसका नाम कौन सी राशि पर रखा जाए, जरा जल्दी बताइए। बेटी, ऐसे ग्रहों को देखकर तो कोई भी सब कुछ भूल सकता है। उच्च ग्रह और मेरे लिए ये कुंडली बनाने का सुअवसर मिला, इसके लिए मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ। जरा धीरज रखिए बेटी, अभी बताता हूँ। धीरज रखिए, महाराज ने कहा है धीरज रखिए। तो सुनो महाराज, राजकुमार की राशि ऋषभ है और इनके नक्षत्र विशाखा है। बेटी, आप इस अनुसार राजपुत्र का नामकरण कर सकते हैं। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। मेरे राज दुलारे की राशि वृषभ आई है। अब वृषभ राशि के अक्षर तो ब, व और उ ये होते हैं। अब किस अक्षर पर मेरे राज दुलारे का नाम रखा जाए? बॉपर रखे गुरु भगवान, बॉपर रखा जाए। गुरुदेव ने मना कर दिया तो साध्वी जी भगवान, ऊपर रखा जाए, ऊपर भी नहीं। मेरे प्रजाजन, आप भी तो कुछ बताइए ना, क्या
दीजिए, क्या रखे? अरे आप तो रह नहीं दीजिए, क्योंकि बुआओं का है ये तो काम, बुआओं का है ये तो काम। मैं रखूंगी अपने लल्ला का अच्छा सा नाम, बुआओं का है ये तो काम। हाँ 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 भैया, लग रहा है गुरु भगवान आपकी आदेशानुसार क्या ये बुआ अपने भतीजे का नामकरण करे? साध्वी जी भगवान, क्या ये बुआ नामकरण करे? तो लाइए, चलिए, अब मैं अपने भतीजे का नामकरण करने जा रही हूँ। दिल थाम के बैठना, આભાર પ્રદર્શિત વ્યક્ત કરીએ છીએ રાજસ્થાન શ્વેતાંબર મૂર્તિ પૂજક જૈન સંઘના
पदाधिकारियों भाइयों ने अत्र पधारवा माटे नम्र विनती श्री संघ तरफ थी तेमनुं बहुमान करवामां आवे छे पधारो श्री श्री पधारो प्रकाशभाई पधारो प्रकाशभाई पधारो श्री वासुपूज्य स्वामी भगवान की चिंतामणि कपाये भवये भवन्ति अभिधनं जीवाय रामरं प्राणं ये संतो महेश भक्ति बन्धुधरणे तादेति जुम्बोई भवे भवे पार्श्व जिन चंद भो भो भव्या स्मृत वचनं प्रस्तुतं सर्वमेतत् हे यात्रायां त्रिभुवन गुरो राहत भक्ति भाज तेषां शान्तिर्भवतु भवता महरदादि प्रभावादारोग्य श्री धृतिमति क्लेश विध्वंस हेतु भो भो भवि लोका ये वर्तेरावत विजय सम्भवना समस्त तीर्थंकृता
जन्मनी आसन प्रकंपानंतर महाविद्यालय विज्ञान सौधर्माधिपती सुगोसा घंटा चालनानंतर सकल सुरा सुरेंद्र सह समागत सविनय मार्द भट्टारकम द्वैतवा गद्वा गणगांध्रिसंगे विहित जन्माभिषेक शांति निर्घोषी यति यथा तथ हम कृपानुकार नीति कृपा महाजनो येन गदस्व पंथ इति भवजने सह समेत स्नातृपीठे स्नातृदय शांति निर्घोषयामि तथा पूजा यात्रा स्नात्रादि महोत्सवानंदनिधिकरणं दत्वा निशमितां निशमितां स्वाहा ओं पुण्याहं पुण्याहं प्रियंतां प्रियंतां भगवंतोरंत सर्वन्न सर्वदर्शिन स्त्रीलोकनाथ स्त्रीलोकमहिता स्त्रीलोकपूज्य स्त्रीलोकेश्वर स्त्रीलोकदत्तकर ओं ऋषभ अजित संभव अभिनंदन समुद्र पद्मप्रभ सुपार्श्व चंद्रप्रभ सुविधे शीतल श्रेयांस वासुपूज्य विमलानंद धर्म शांति कुंकुवर मलिमुनि सुरत नमी नेमी पार्श्ववर्धमानंद विना शांत शांतिधर भगवंत स्वाहा ओं मुनियो मुनिवर ऋषिभुज दुर्ग श्रीकांत ऋषि दुर्ग मार्गिंद स्वाहा ओम ईं श्री द्रतिमति कीर्ति कांति रुद्र लक्ष्मी मेघा विद्या सदन प्रवेश निवेदनेश शुक्रज नमन जयंतुते जिनेन्द्र ओम रोहिणी प्रकृति व्रज श्रृंखला व्रजकृष्ण प्रतिचक्र पुरुषदत्त काली महाकाली गौरी गांधारी सर्वस्त्र महाज्वला मानी विरचा चुक्रमासी महामानसी षोडश विद्यादेवी रक्षंतु मंत्रम स्वाहा ओम आचार्य उपाध्याय प्रभुति चतुर्वर्णेश श्री श्रवण संघर्ष शांतिर्भवतु सुशीर्भवतु सुशीर्भवतु ओम ग्रहाचंद्र सूर्य कारक बुद्ध बृहस्पति शुक्र शनेश दाऊ संहिता सर्वकपाला सौम्य मरुण कुबेर भास्वादित्य विनायक पिता ये शानिधि ग्राम नगर क्षेत्र देवता दयाश्रय ओम तुष्टि पुष्टि रिद्धि सिद्धि मांगल्योत्सव सदा प्रदुर्भूतानि पापानि साम्यन्तु दुरितानि सत्रव पवनुप भवन्तु स्वाहा श्रीमते शान्तिनाथाय नमः शान्ति विधायने त्रैलोक श्यामराधीश गुणम् यः चिन्तयन्त्रे पहचान महावीर है मेरा अभिमान महावीर